उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। जितना टीकाकरण भी हो रहा है, वो सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब शून्य पर आ गया। लेकिन खैर, इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। और इसके लिए हम लोगों ने कल भी बातचीत कर दी है कि हर जगह पूरे तौर पर और जितना भी हम लोगों ने जो काम किया है, एक एक तरह का हॉस्पिटल से लेके चीज़ को देखिए। अब बाहर से जब आता है तो उसके जांच का हम लोगों को प्रबंध रखना। कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, नहीं तो वो तो जांच कर रहा है, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का एक घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा है। तो आप जानते ही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया, और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे, और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते थे। और कितना वो मानते थे, हमको तीन तरह के विभाग को सौंपा और एक एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक एक चीज़ को मानते थे और कितना ज़्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छे ढंग की यात्रा है, दिल्ली पहुँच गई है, कई तरह की बात हम नहीं, हमको नहीं पता कोरोना के लिए कितना तैयार है। कोरोना वाले देखिए हो रहा है क्या कि अब हम लोगों के यहाँ तो जीरो पर पहुँच गया, लेकिन हम लोग जाँच एकदम कंटिन्यूस करवा रहे हैं। समझ लीजिए 20 जब से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा है और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं, जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से आप एक एक चीज़ को जानते हैं। अब इस बार जो फिर चला था, इसी साल दो बार आ गया था, तो जब कुछ भी हुआ तो एक एक करते हुए जांच करवा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हज़ार का जाँच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है, 4,000, 5,000, 6,000 जो भी जितना हो सके, जितना टीकाकरण भी हो रहा है, वो सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब शून्य पर आ गया, लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। और इसके लिए हम लोगों ने कल भी बातचीत कर दी है कि हर जगह पूरे तौर पर और जितना भी हम लोगों ने जो काम किया है, एक एक तरह का हॉस्पिटल से लेके चीज़ को देखिए। अब बाहर से जब आता है तो उसके जांच का हम लोगों को प्रबंध रखना चाहिए। यात्रा के भी तो बहुत अच्छे यात्रा पे निकलने वाले हैं। लूप हॉल आ रहा है, बीएससी का पेपर भी, क्या चीज़ का एग्जामिनेशन का, बीएससी का जो पेपर हुआ था, कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, नहीं तो वो तो जाँच कर रहा है, वो तो बहुत ठीक से जाँच कर रहा है, वो कर रहा है जाँच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का एक घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जाँच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा है।